आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि आप ईपीएस मेंबर तो है, आपकी कंपनी ने ईपीएस में डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट किया है, लेकिन उन्होंने आपका ईपीएस जमा ही नहीं करा। मतलब उन्होंने आपका पेंशन में पैसा एक रुपया नहीं जमा किया, लेकिन आपको बना दे ईपीएस का मेंबर। अब आपने अप्लाई किए क्लेम, राजेश गया पीएफ पोर्टल पे, क्लेम अप्लाई किया, क्लेम रिजेक्ट हो गया। रीजन आया कि ईपीएस मेंबरशिप बट ईपीएस नॉट कंट्रीब्यूटेड, पेंशन नॉट कंट्रीब्यूटेड। राजेश हो गया परेशान, राजेश गया कंपनी में, कंपनी जवाब नहीं दे रही है, राजेश परेशान होकर यूट्यूब पे आया और मेरे चैनल पे आ गया। तो अब राजेश बोला कि यार अब सॉल्यूशन मिलेगा, तो मिलेगा, लेकिन राजेश आपको सब्सक्राइब पहले करना पड़ेगा। बहुत कम है इस चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई होप कर लेंगे। और ये सभी के लिए है कि अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो में भी आपको रैंडम टेक्स्ट में दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी आवाज़ आई। तो देखिए राजेश जी सुनिए मेरी बात, राजेश के लिए सभी के लिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। राजेश गया क्लेम अप्लाई किया, क्लेम रिजेक्ट हो गया, राजेश को पता चला कि राजेश ईपीएस मेंबर था, लेकिन ईपीएस राजेश का जमा ही नहीं हुआ, कंपनी ने पैसा जमा ही नहीं करा, एक्स वाई जेड कंपनी थी उससे राजेश का पैसा जमा ही नहीं किया। अब राजेश हो गया परेशान, राजेश गया कंपनी, भागा कंपनी में, बोला कंपनी को, कॉल किया, मेल किया, एसएमएस किया, कॉन्टैक्ट किया मैनेजर से, एचआर से, कोई जवाब नहीं आ रहा है। राजेश ने पासबुक भेजा, सारी चीज़ें भेजा, राजेश गया पीएफ ऑफिस, पीएफ ऑफिस ने राजेश को बोला कंपनी जा, राजेश कंपनी गया, कुछ नहीं पता चला, राजेश परेशान हो गया, डिप्रेशन में आ गया, बोला यार मेरे को पीएफ चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में। फाइनली राजेश ने मोबाइल ओपन किया, यूट्यूब पर सर्च किया, भाई का चैनल मिल गया, मतलब मेरा चैनल मिल गया फाइनली, वीडियो के चैनल में, वीडियो में आया, देखा, सोचा सॉल्यूशन रहेगा, यस है ब्रदर सॉल्यूशन राजेश, लेकिन इसके लिए आपको कंपनी से कांटेक्ट करना था, कंपनी नहीं करती है। अगर आपने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया राजेश तो मेरे पास आ जाओ, मुझसे कांटेक्ट कर लो, कंसल्टेशन ले लो, फिजिकल मिलने की ज़रूरत नहीं है आपको, सोशल मीडिया के थ्रू है, मतलब आपको व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, राजेश कांटेक्ट करो। राजेश ने सभी ओके, तो राजेश बोलेगा मैं ही राजेश हूँ, मैं ही कांटेक्ट करूँगा। ये सभी के लिए है, सभी को प्रॉब्लम आती है, राजेश वजह एग्जांपल सभी को प्रॉब्लम आती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस केस में कंपनी से ही बात करना है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी ने ईपीएस का मेंबर बनाया बट ईपीएस में मतलब पेंशन में आपका पैसा जमा नहीं करा, तो कोई भी आपसे पूछेगा ना भाई, पीएफ ऑफिस भी आपसे पूछ रही है, दे जस्ट वॉन्ट अ क्लैरिफिकेशन व्हाई इट इज नॉट डिपॉजिटेड। इफ यू आर ईपीएस मेंबर आपकी कंपनी को जमा करना चाहिए, इफ नॉट दैट मीन्स there is some issue for which they need clarification later. We'll take it next video.